तो दोस्तों अपडेट कंप्लीट होने ही वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये हो चुका है अपडेट कंप्लीट और आपकी स्क्रीन के सामने है न्यू एनिमेशन हार्मन की तरफ से, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और ये सिस्टम हो चुका है हमारा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा और हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आज मैं अपना टाटा एल्ट्रोज का हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम अपडेट कराने जा रहा हूँ, जो कि अभी मेरे में करेंटली 12.25 जो कि मार्च का अपडेट है वो इंस्टॉल्ड है। और अभी मैं इसको 14.42 में अपडेट कराने के लिए जा रहा हूँ। आज गुड़गांव में बारिश का दिन है और सड़कों पर बहुत पानी भरा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, लेकिन एल्ट्रोज यहाँ से बड़ी स्मूथली निकलती हुई तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आई। भी हम चल रहे हैं। तो दोस्तों इस अपडेट के लिए मैंने हार्मन में बात किया था, तो मैंने अभी एक वीडियो शेड्यूल किया है मेरा टाटा मोटर्स गुड़गांव, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो गुड़गांव में थोड़ा जाम है, पानी भर गया, तो अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे, यहाँ से निकलते हैं। सर्विस लाइन पे हैं हम, ये आप देख सकते हैं बस भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल से निकल पा रही है, लेकिन फिर भी एल्ट्रोज को कोई यहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं हुआ, ना ही ग्राउंड क्लियरेंस का और ना ही गाड़ी रुकने का। दोस्तों गुड़गांव में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और बारिश होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या थोड़ी और बढ़ गई है, तो अभी हाईवे पे चढ़ने में मेरे को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फाइनली हम अभी हीरोंडा चौक पे पहुंच चुके हैं, सामने आप एनएचएट देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से मेरे को राइट लेना है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं एनएचएट पे, सामने आप देख रहे हैं दिल्ली का बोर्ड, काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स आ रहा है AL04 अपडेट के बाद, जो कि अभी मैंने रिसेंटली कराई है। उससे पहले जर्किंग इशू भी था, प्लस गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही थी, लेकिन अभी इस अपडेट के बाद गाड़ी बहुत बटर की तरह स्मूथ चल रही है, आप देख पा रहे हैं। अभी बस पहुंचने वाले हैं हम सर्विस सेंटर, आप देख रहे हैं सामने टाटा का सर्विस सेंटर आ गया है राइट में, तो हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं अभी सर्विस सेंटर में। अब आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम सर्विस सेंटर में पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं जो कि डैमेज है। भी एक कार देख सकते हैं आप सामने, इसमें एक टियागो है एक हेक्सा है। तो दोस्तों जब मैं वहाँ पहुँचा तो हार्मन का सर्विस इंजीनियर वहाँ पर नहीं था, तो मैंने CRM की मदद से हार्मन के इंजीनियर को कॉन्टेक्ट किया और उसके कुछ देर बाद ही हार्मन का इंजीनियर वहाँ पे आ गया। तो दोस्तों सिस्टम में अब पेन ड्राइव लग चुकी है, अभी आप इसमें वर्जन देख रहे हैं 12.25 है जो कि मार्च का अपडेट इंस्टॉल्ड है। अभी इसमें हम नया अपडेट इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। इसके लिए आपको 3 बटन प्रेस करने होते हैं, जो कि 2nd, 4th और 6th नंबर का बटन है। उन तीनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो मेन्यू ओपन हो जाता है। अभी दोबारा करेंगे, थोड़ा इसमें कुछ इशू था, 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपका खुल जाएगा। ये देखिए अभी इसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो फाइल रीड करता है पेन ड्राइव के थ्रू, और ये आ गया 14.42 का वर्जन। अब ये कह रहा है रिफ्लैश नाउ, तो अभी रिफ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सामने। तो जो अभी आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन इन प्रोग्रेस, इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम इसमें रीड कर रहा है अभी ये पेन ड्राइव के थ्रू, तो वो चेक कर रहा है कि ये गाड़ी के साथ कंपेटिबल है या नहीं है, क्योंकि फाइल साइज़ भी काफ़ी बड़ा है तो उसको सिस्टम को रीड करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हमें कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है। इसके साथ एक ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताऊंगा, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हों घर पे, तो उस टाइम पे इंश्योर करें कि गाड़ी का दरवाज़ा कोई खोले ना कोई बंद करें, प्लस गाड़ी के कोई भी स्विच को आप ना छेड़ें और ऑन ऑफ भी ना करें इस प्रोग्रेस के दौरान, नहीं
तो इससे आपका सिस्टम पूरी तरह क्रैश या करप्ट भी हो सकता है। तो इन बातों का खास ध्यान रखें ड्यूरिंग रिफ्लेशन, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर इसमें हमने कुछ भी अगर छेड़खानी की तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो ये आपके पूरे अपने रिस्क पर रहेगा, तो ये कुछ वक्त लेगा। अभी आप देखेंगे स्टार्ट होगा, तो अभी ये दोबारा बूट अप हो रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मैं नीचे काफ़ी खूबसूरत, एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल है ना, एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। डू नॉट रिमूव यूएसबी, डू नॉट टर्न ऑन द इग्निशन। लास्ट टाइम अपडेट किया था ना, तो मैंने उसकी वीडियो, ये कह रहा है कि इनमें से कुछ भी नहीं करना है हमें, नया अपडेट नहीं निकालनी है, अपना इग्निशन ऑन नहीं करना है गाड़ी का, प्लस हमें सिस्टम को ऑफ नहीं करना है। तो जो मैंने कहा माइक वो तो साउंड बंद हो जाएगा, तो इनका आप खास ध्यान रखें। इसके साथ दरवाजे भी आप ऑपरेट होना, अभी तो वीडियो है, क्योंकि अगर दरवाजे ओपन क्लोज करेंगे तो उसकी वजह से भी ये आपका नंबर सेव है, जब बन जाएगी वीडियो दिक्कत कर सकता है इंस्टॉलेशन के दौरान। तो अभी आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो गया है, फाइल सिस्टम ओके, अच्छा अच्छा, तो उस टाइम पे वहाँ थे हाँ। वो भी काफी अच्छा अनुभव था, सामने वाला निकले छोटी कास्ट का, वो फिर आधा घंटा के आसपास इशू बना के बैठ जाते हैं। शांति से बैठे रहे। और दोस्तों ये कंप्लीट होने वाला है सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और दोस्तों ये हो गया 100% और हमारी गाड़ी हो चुकी है 14.42 में अपडेट, जो कि एक बेहतरीन अपडेट है टाटा की तरफ से। इस अपडेट में नया एनिमेशन दिया गया है टाटा ने, ये अपडेट अभी रिसेंटली आया है, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ कि इस अपडेट के बाद जो आपका गूगल मैप्स में इशू था, जो गलत रीडिंग शो करता था, वो अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस अपडेट के बाद मैंने अपनी गाड़ी को करीब 20 से 30 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर लिया है और ये बहुत एक्यूरेट रीडिंग शो कर रहा है अभी। साथ ही इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हुआ है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इस अपडेट के बाद, और टच रिस्पॉन्स जो था वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है। साथ ही जैसे आप एंड्रॉयड ऑटो में बाकी एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे, गूगल वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी ये काफ़ी बेहतरीन सिस्टम हो चुका है इस अपडेट के बाद। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, तो उस लिंक के थ्रू आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इंस्टॉल करने के लिए कौन से बटन को यूज़ करना है, तो फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस अपडेट के बाद क्या क्या नए फीचर को देखने को मिले हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सब चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।